इस समय मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी नामजद हैं, वे अपने पावर को लेकर, अपने प्रभाव को लेकर मुकदमे को बाधित कर रहे हैं। तारीख पर तारीख न्यायालय से दी जा रही है और प्रभात गुप्ता की हत्या में न्याय नहीं हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी से निवेदन करता हूं कि मैं मिलना चाहता हूं, मुझे मिलने का समय दें। ये हैं वो भाई जिनके भाई की हत्या 22 साल पहले हुई थी और आरोप लगा था अजय मिश्रा टेनी पर, जो आज मोदी टीम में शामिल हैं। वो टेनी जिनके टशन की खबरें अक्सर आती रहती हैं, जिनके ऊपर प्रभात गुप्ता की हत्या का केस है, वो केस जिस पर फैसला तो नहीं आ रहा, बस मिल रही है तारीख पर तारीख। ऐसे में प्रभात गुप्ता के छोटे भाई राजीव गुप्ता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में जाएंगे। राजीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा है। 22 साल पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के नेपाल बॉर्डर तिकुनिया में प्रभात गुप्ता, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, उनकी हत्या की गई। उस हत्याकांड में इस समय मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी नामजद हैं, वे अपने पावर को लेकर, अपने प्रभाव को लेकर मुकदमे को बाधित कर रहे हैं। तारीख पर तारीख न्यायालय से दी जा रही है और प्रभात गुप्ता की हत्या में न्याय नहीं हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी से निवेदन करता हूं कि मैं मिलना चाहता हूं, मुझे मिलने का समय दें। मैं राजीव गुप्ता, तिकुनिया का रहने वाला हूं, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर। आपसे निवेदन है कि आप मुझे मिलने का समय दें। तो इस खत में राजीव ने लिखा है कि उनके परिवार के इंसाफ के लिए उनको मिलने का वक्त दिया जाए, ताकि वो इस केस से जुड़े साक्ष्य उनके सामने रख सके। वहीं यही बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे खत में कही गई है। राजीव पीएम मोदी से अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। राजीव के आरोप हैं कि अजय मिश्रा टेनी मंत्री पद का दबाव बनाकर फैसला नहीं होने दे रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जुलाई को प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोगों पर था। निचली अदालत ने अप्रैल 2004 को अजय मिश्रा टेनी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। तब से ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वहीं टेनी समेत सभी हत्यारोपी जमानत पर हैं। फैसले के इंतजार में हर बार अब मिल रही है तो सिर्फ तारीख। अब अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई पीएम मोदी राजीव गुप्ता से मिलेंगे और उनकी मांग मानेंगे, क्योंकि पिछले साल 3 अक्टूबर की तिकुनिया कांड के बाद से लगातार अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग विरोधी कर रहे हैं। इस मामले में अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा जेल में बंद है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।